हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सलमान फ्रॉम कूल सॉल्यूशन हैदराबाद। आज हम रिव्यू करेंगे करियर एसी का रिमोट जो है लेटेस्ट एंड डिजिटल फ्यूचर्स के साथ। आज हम जानेंगे इसके बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जैसे कि टोटल रिमोट को चाइल्ड लॉक करना और सीनियर सिटीजन के लिए माई फेवरेट मोड एक्टिवेशन करना और आपका रिमोट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है इसका मेन ऑन ऑफ बटन। उसके बाद हम जानेंगे टर्बो। टर्बो इज़ मेनली फॉर हाई कूलिंग। अगर आपको इंस्टेंटली हाई कूलिंग चाहिए तो आप टर्बो को प्रेस कर दीजिए। फॉर ए लिमिटेड पीरियड आपका एसी आपको हाई कूलिंग प्रोवाइडिंग करेगा। यह है इसका टर्बो का सिग्नल। उसके बाद आता है स्विंग। स्विंग इज मेनली फॉर हेड डायरेक्शन। अगर आपके यूनिट का हेड डायरेक्शन अप एंड डाउन करना है स्विंग, तो स्विंग को ऑन कर दीजिए। उसके बाद आता है स्टेप। स्टेप इज मेनली फॉर आपका हेड डायरेक्शन एट ए टाइम सेम पोजिशन पर चाहिए, तो आप स्विंग को आपके डायरेक्शन के हिसाब से लगा लीजिए। उसके बाद आता है ये टेम्परेचर अप एंड डाउन। अब हम जानेंगे चाइल्ड लॉक करना। टेम्परेचर को अप एंड 3 सेकेंड्स प्रेस करिए, ये हो गया चाइल्ड लॉक। यहाँ आ गया चाइल्ड लॉक का सिग्नल। चलिए अब हम अनलॉक करते हैं। ये हो गया अनलॉक, सिंबल चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मोड्स के बारे में। इसमें आता है 4 मोड्स। फर्स्ट है ऑटो मोड, सेकंड कूल मोड, थर्ड ड्राई मोड, फोर्थ फैन मोड। फर्स्ट आता है ऑटो मोड। ऑटो इज ऑटोमेटिकली, इसमें आपका यूनिट ऑटोमेटिकली ऑन होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ होगा बाय सेंसर्स के द्वारा आपका यूनिट ऑटोमेटिकली रन करेगा। ये मेनली सर्वर रूम्स एंड ऑफिस वर्क्स जो कम सिस्टम्स का हीटनेस रिड्यूस करने और होम पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ऑटो मोड। उसके बाद हम जानते हैं कूल मोड। कूल मोड इज़ मेनली फॉर फेवरेट मोड। ये इसमें आप टेम्परेचर अपने हिसाब से लगा ले सकते और फैन स्पीड जितना चाहिए आप अपने हिसाब से लगा ले सकते। उसके बाद आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड इज़ मेनली फॉर रेनी सीजन्स। रेनी सीजन में आपको मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए ड्राई मोड ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद आता है फैन। फैन मोड इज़ ऑटोमेटिकली आपका इंडोर रन करेगा, आउटडोर रन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो मोड्स में, ऑटो मोड में आपको फैन ऑटोमेटिकली सेट रहेगा और ड्राई मोड में आपको ऑटो फैन का डायरेक्शन फिक्स रहेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो इसमें आपको कूल मोड में फैन का नेटवर्किंग इंक्रीज होगा एंड फैन मोड में, दो मोड में फैन मोड एक्टिवेशन होगा, दो मोड में ऑटोमेटिकली रन करेगा। उसके बाद हम जानेंगे ओपीटी। ओपीटी ओपीटी में आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। ओपीटी मींस ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट आता है फॉलो मी, सेकंड आता है सेल्फ क्लीन, थर्ड आता है प्लाज्मा, फोर्थ आता है एको। फर्स्ट हम बात करते हैं फॉलो मी। फॉलो मी, फॉलो मी मीन्स अगर आपका यूनिट डायरेक्शन डिफरेंट है, आपका रूम तक आपके रूम का प्रोवाइडिंग कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आप फॉलो मी को प्रेस कर देके रिमोट साइड में रख दीजिए। जहां आपको कूलिंग चाहिए वहां पे फॉलो मी लगा देके साइड में रख दीजिए, तो आपका एसी का सेंसर एंड रिमोट का सेंसर दोनों एक्टिवेशन में रहेंगे। जब तक आपका एसी का कूलिंग रिमोट तक नहीं कूलिंग होगा, जब तक यूनिट कट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद आता है सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन इज लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें सेल्फ क्लीन ऑटोमेटिकली सेट होकर है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो आपका यूनिट ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीन करेगा। आपका एसी बंद करे के बाद में 5 to 10 मिनट्स कंटिन्यूसली स्विंग ऑन रहेगा जो सेल्फ क्लीन करते रहेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। थर्ड आता है एको। एको में आपको 24 डिग्री टेम्परेचर से रन करेगा एको मोड में। ये एको मोड इज इकोनॉमिकली चलता है। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ज़्यादातर यूनिट में अवेलेबल नहीं है, जो मेन फ्यूचर्स है उसमें प्लाज्मा में आ जाते। उसके बाद हम जानेंगे टाइमर। यह है इसका टाइमर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो 5 means half an hour, 1 means 1 hour, ऐसे 10 hours का आपको हाफ एन आवर 1 hour का प्रोवाइडिंग रहेगा।
10 आवर्स तक, उसके बाद में 1 आवर्स, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, ऐसे इधर से कंटिन्यूसली 1 1 आवर इंक्रीज होगा। वहाँ पे 1/2 आवर हो रहा था, यहाँ 5 to 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर, 3 आवर्स, 3.5, 4 आवर्स, 4.5 आवर, 5 आवर्स, ऐसा 10 आवर्स का कंटिन्यूसली आपको इसके बाद में 1 आवर से कंटिन्यू होगा। इसके बाद आता है स्लीप मोड, ये है स्लीप मोड। स्लीप मोड का इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो ये आपको 7 आवर्स रन करेगा। फॉर एग्जांपल आपका यूनिट नाइट 12 o'clock को 20 टेम्परेचर से आप सेट करके ऑन करें, उसके बाद में 12 o'clock से 1 o'clock तक 21 हो जाएगा, उसके बाद में 1 o'clock से 2 o'clock तक 22, उसके बाद 5 आवर्स कंटिन्यू 22 टेम्परेचर से रन करेगा आपका इसी 7 आवर्स आपको इम्पोर्टेंट एसी रन होगा आपका। उसके बाद आता है फेवरेट माई मोड, ये इम्पोर्टेंट क्या है बोलते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनको ऑटोमेटिकली सेट करके देना है आपको, तो आप ये माई फेवरेट मोड को 3 सेकंड्स प्रेस कर लीजिए, ये हो गया आपका फेवरेट मोड। अगर कौन सा भी टेम्परेचर आके कोई भी टच करे तो अब एक प्रेस करिए, एक बटन को प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है ये एलईडी, एलईडी को आपको अगर डिस्प्ले का एलईडी आपको ऑफ करना है बोले तो ये बटन को प्रेस कर लीजिए, एलईडी का सिग्नल जो डिस्प्ले आपको यूनिट पर रहता वो ब्लैंक हो जाएगा। अब हम जानेंगे आपका रिमोट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैमरे के सामने मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, उसके सामने क्या करिए, रिमोट को ऐसा रख के मेन ये मेन बटन है ना उसको प्रेस करिए, तो यहाँ लाइट ब्लिंक हो रहा है, जैसा वैसा लाइट ब्लिंक हो रहा है तो आपका रिमोट वर्क कर रहा है। चाहे जो कोई सा भी रिमोट रहने दीजिए, आप ये मेथड से चेक कर लीजिए, अगर लाइट ब्लिंक हो रहा बोले तो आपका जो भी रिमोट है वो रन कर रहा है।